बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने आज जो है एक जलवायु परिवर्तन को लेकर के, विकास और उसके जो आयाम हैं उनको लेकर के एक जन जागरूकता रैली का जो है आयोजन किया। वास्तव में ये G20 के तहत जो सीरीज हमारे कॉलेज में चलाई जा रही है, उस सीरीज के तहत हमने जो है इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में आपके साथ साथ छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। हमने नहीं सोचा था कि गर्मी की वजह से कि इतने छात्र छात्रा प्रतिभाग करेंगे। इतने अधिक पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, और उसके साथ साथ उनका जो उत्साह था वो वास्तव में देखने लायक था कि किस तरह से जो है वो संदेश देना चाहते हैं। अभी पीछे दिनों की हम याद करें तो हम सतत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी प्रकार से होगा जब हमारे जो प्राकृतिक सीमा ये जो है कही जाती है, क्योंकि यदि हमने देखा है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आई, महामारी COVID-19 को हम उसका सामना कर चुके हैं और अभी भी वो फेज जो है लगातार चल रहा है, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो ऑक्सीजन की समस्या हुई थी। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है हमारे बहुत सारे देशवासियों ने जो है इस महामारी के कारण उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो अभी भी हमें अपने आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को संजो करके रखना है, नहीं तो वो हमारे से पूछेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो, और उसके साथ साथ जन जागरूकता फैलाएं, क्योंकि जन जागरूकता से जैसे कि अभी बताया भी गया, अभी पूर्व वक्ता ने भी बताया कि बूंद बूंद से जो है वो बड़ा बनता है। हमें भी सोचना है कि हमारा ये प्रयास छोटा, हमारी ये जो आज की रैली है वो सार्थक होगी। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि अभी जब मानसून काल आएगा तो मानसून काल में जो हम एक बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वो कॉलेज परिवार की ओर से जो है, जो हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमने एक क्लब बनाया हुआ है उसको साथ में लेकर के, बच्चों को साथ में लेकर, बहुत सारे बहुत ही टाइम से किया गया।